दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, ये पांच चीजें भगवान शिव के पास कभी मत रखना, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। आपको बता दें कि कुछ लोग भगवान शंकर की स्थापना अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, लेकिन अनजाने में उनसे अपराध हो जाता है। लेकिन जहाँ भी होता है शिवलिंग या भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा, तो वहाँ पर पांच चीजें गलती से भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जब इंसान के पास कोई गंदी चीजें रखा है तो उसको भी क्रोध जरूर आता है और उसे भी बहुत गंदा लगता है। ऐसे में जब भगवान शंकर की बात आती है तो मां सकती हैं और देवों के देव, कालों के काल भी हैं। अगर दोस्तों आप भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो ये पांच चीजें गलती से भी भगवान शंकर के पास नहीं रखनी चाहिए, भूल से भी शंकर भगवान के पास नहीं रखनी चाहिए, तो आपका व्रत टूट जाएगा। दोस्तों, नंबर एक, दोस्तों जहाँ रखी हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहां पर चप्पल लेकर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल जूते लेकर प्रवेश करता है तो आपको कैसा लगता है? तो सोचिए आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए महादेव के पास चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। महादेव के शिवालय में, मंदिर के आसपास भी अपने को चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। दूसरा, दोस्तों नंबर दो, महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है, लेकिन वो किसी को बगैर बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इसमें महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो आपको घर के बने मंदिर में या बाहर के बने मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां आपसे नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे में शिवलिंग को छूना गौर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी हालत में महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए ऐसे में महिलाओं को भगवान के मंदिर में पूजा या शिवालय में मंदिर में जाकर पूजा पाठ और तुलसी में जल भी नहीं डालना चाहिए और पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, तुलसी का पौधा भी सूख जाता है और घर में गरीबी आ जाती है और घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, ऐसा कभी मत करना। दोस्तों नंबर तीन, दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है जहाँ होता है शिवलिंग वहाँ सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। दोस्तों घर में होता है शिवलिंग तो वो व्यक्ति महादेव की कृपा अवश्य पा लेता है। दोस्तों वास्तविक शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से ऊर्जा का संचार हमेशा होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जल धारा की हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखा है। ऐसे में कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं लेकिन एक हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप अपने घर में जल नहीं चढ़ा सकते शिवलिंग पर, तो आप कभी भी अपने घर में शिवलिंग की स्थापना ना करें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों नंबर चार, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का हमेशा बैर माना गया है, इसलिए तुलसी के पौधे में कभी भी भोले बाबा की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे मां शक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, ऐसे में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों स्त्री प्रसंग या संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो, अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हो तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। क्या आप मांस खाकर स्त्री के साथ संभोग कर आप भगवान के पास जाएंगे तो वो क्या प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट व्यवहार मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के पास हमेशा ना धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों महादेव की कृपा कौन नहीं पाना चाहता, इसलिए आपसे एक विनती है, कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।